global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. फीचर फिल्म द 100 बक्स का ट्रेलर लॉन्च आज पीवीआर सिनेमा जुहू में बफ्तम तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बॉलीवुड के दिग्गजों का जवाबरा लग रहा, जिनमें प्रमुख रूप से वशिष्ठ अभिनेता गजेंद्र चौहान, चंद्रा दीक्षित, अभिनेत्री श्रुति वालिया, योगेश लखाने, अतुल मोहन, कवि रोहित शर्मा, रोमी चौधरी और गायिका तृप्ति शाक्या, गायक अशोक खोसला सहित फिल्म की समुची स्टार कास्ट, अभिनेत्री कविता त्रिपाठी, जयंत शेख, दिनेश बाबड़ा, गुप्ता, संगीतकार इंद्रानी और फिल्म की निर्माता माता रजनी शामपुरी, विभव तोमर, प्रतिमा तोतला, रितु सिंह व फिल्म के निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह व डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद थे। गाने एक्चुअली जो आपको दिखाए गए हैं ये प्राइवेट सॉन्ग्स हैं इसका, और इन गानों को हमने बनाया इसलिए कि एक तो डेफिनेटली क्योंकि मैं संगीतकार हूँ तो संगीत मेरा पहला प्यार है, और क्योंकि फिल्म रिलीज़ है 21 फरवरी को तो 21 फरवरी से पहले गाने मार्केट में आ जाएंगे तो हम लोग मोर फैमिलियर हो जाएंगे एज अ फेस आप सबसे। आप अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे तो आपको एक पॉजिटिव आपकी एक सोच बनेगी ऑडियंस की हम लोगों के लिए, तो ये कारण था कि हम लोगों ने एक प्रमोशन के तौर पे कुछ गाने भी शूट कर लिए। आज के दिन ऑफकोर्स मेरी ये पहली फिल्म है तो थोड़ी तो नर्वस होना बनता ही है, बट उतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ बिकॉज फिल्म जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ये कैरेक्टर इतना अलग है तो मैं उस टाइम पे जितना नर्वस थी और जितनी मैं परेशान थी कि पता नहीं मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, जैसा आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरा वहाँ पर अलग ही अवतार है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने मुझे बताया कि इजी लो, सब कुछ आसानी से होगा और हम कर जाएंगे। और जब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हमने मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने हर शॉट को कोई ऐसा शॉट होगा 3 या 4 बार टेक लिए होंगे बट एक ही दो टेक में हमने मतलब सर ने मेरा फाइनल किया है कि नहीं वाओ गुड। आपको ये फिल्म किस तरह से मिली? कॉफी। हाँ, सर ने जैसा बताया कि इनका सॉन्ग जो है वो प्यार है तो मैं सॉन्ग के लिए मिली थी सर को, कि बिकॉज सर ने बोला था मुझे किसी जिसने मुझे मिलाया था उसने यही बोला था कि एल्बम करना है, पर जब मैं सर को मिली तो सर ने मुझे बताया कि एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा फिल्म है और मुझे उसके लिए एक ऐसी धाकड़ सी लड़की लंबी चौड़ी और जो मतलब लगे आए तो लगे कि नहीं कुछ कमाल कर रही है, तो सर ने मुझे कहानी सुनाई पूरी फिल्म की और हम कॉफ़ी शॉप में ही बैठे हुए थे और वहाँ पे पूरी कहानी सुनाई, मुझे लगा कि नहीं ये कैरेक्टर थोड़ा अलग है पता नहीं मैं उस टाइम पे जब मैं वहाँ से निकली तो मैं कंफ्यूज थी मेरे हाँ और ना, और सर ने भी बोला था कि देखो ये बहुत ही एक एक्टर के लिए बहुत ही अच्छा और टर्निंग पॉइंट होता है जब आप स्टार्टिंग में एक्टिंग करके आप अपने आप को साबित करते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो सर का कहीं ना कहीं उसमें एक फोर्स तो नहीं बोल सकते बट बहुत बड़ा साथ रहा कि सर ने मुझे बताया कि करो ये एज एक्टर अपने आप को प्रूव कर पाओगे तुम, तो मुझे भी लगा कि नहीं चलो करना चाहिए और हमने किया और इतना आसानी से और इतनी मस्ती में इतने मज़े में हमने ये शूट कर लिया पता ही नहीं चला। आपके किरदार की बात करें कि आप क्या किरदार निभा रहे थे, किरदार को लेकर कुछ बताना चाहिए? जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा अभी, ये एक वन नाइट की जर्नी है एक लड़की की, पूरी रात में उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं बीच बीच में और कैसे कैसे लोग मिलते हैं। आप लोग ट्रेलर देख के तो आधा से ज़्यादा समझ ही गए होंगे कि ये किस बेस पे फिल्म बनी हुई है, किस चीज़ के ऊपर है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई हुई है कि एक रात में उनको क्या क्या झेलना पड़ता है और एक मैसेज भी है इसमें कि आप समझ पाएंगे उनके कैरेक्टर को और उनकी रियलिटी को कि कैसे इनकी लाइफ और कैसे ये जीते हैं। जैसे मेरा सवाल आपसे, आपने किस तरह के स्टेज पे कहा कि फैमिली पिक्चर दे सकती है, फैमिली पिक्चर पर सर इसमें तो गाली गलौज है तो फैमिली कैसे? नहीं नहीं, गाली गलौज देखिए, गाली गलौज जनरल है कि हम लोग जब यही तो बात है, अगर ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा देंगे हम तो आप फिल्म से कैसे आप रूबरू होंगे, आप देखिएगा जनरली हम लोग जैसे घर पे रहते हैं या कहीं आम कभी गुस्सा आ जाता है हम लोग गाली देते हैं, जो अगर आपने डायलॉग पे ध्यान दिया हो तो वो कहती है कि भाई अपन के लिए तो बोली है,
बोलती है गाली नहीं है तो बोली है, तू क्यों शर्मा रहा है? और वो लड़का शर्मा रहा है उससे बोलने में, उसने जो गाली दी इंग्लिश में गाली दी उसको हिंदी बताने में, तो बोले कोई बात नहीं तू क्यों शर्मा रहा है। तो बट फिल्म आप ओवरऑल जब देखेगा तो आई एम टेलिंग यू इट्स क्रिएट अब ये सब तो अब सारी बातें आपको एकदम से सारी बातें आज भी आगे पूछ लोगे तो फिर आगे क्या मजा आएगा, अभी तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है हम लोगों को। कुछ तो कुछ कट वगैरह कुछ की गाली वगैरह है नहीं सेंसर में, मैं कोई किसी परेशानी का सामना अभी तक तो नहीं करना पड़ा। और आई होप कि बाई टुमारो डे आफ्टर लाइक वी हैव अ फाइनल हैपनिंग विद द सेंसर तो ऑल इज क्लियर। मैं एक उन्होंने मुझे स्किल भी दी ऑटो ड्राइविंग की कि मतलब इसके अंदर मैंने ऑटो ड्राइवर काम आएगा बुरे बुरे समय में काम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म अद्भुत है और मैंने जब 4-5 दिन भैया के साथ बैठा और स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतना मोटिवेशनल है ये, तो मोटिवेशनल गुरु भी हैं और ये मोटिवेट करके मुझे बोले तुम कर लोगे, तो मैंने 13 दिन तक ऑटो सीखा फिर जा करके चलाना शुरू किया और चला करके फिर अब फिल्म आप लोग चलाएंगे। जी मैम जी मैं तो सबसे पहले थाने नहीं देखी होगी तो मेरे लिए बहुत ही ड्रीम एक प्रोजेक्ट था क्योंकि मैं पहले भी कॉप का कैरेक्टर करना चाहती थी पर सर के थ्रू मुझे ये कैरेक्टर मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि सस्पेंस है, वो आपको वो फिल्म में ही देखना पड़ेगा 21 फरवरी को। लेकिन रियली मैं बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ, अभी जुकाम है मुझे तो मे भी मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा। सिंघम हूँ या मर्दानी ये तो आप लोग बताएंगे जब फिल्म देखेंगे तब। तो मैं बदमाश सिंघम हूँ। प्रोड्यूसर फिर भी क्या कह रही प्रोमो आज देखा आज भैया घर की चीज़ें सही कह रहे हो। देखो या तो जैसे पहला प्यार हो किसी का और पहला स्वप्न एक जैसा ही होता है, जब मिलता है तो उसकी खुशी बिल्कुल अनिवर्चनीय होती है, आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि आपको कितनी खुशी हो रही है। बिल्कुल उसी तरह ये जो फिल्म है द 100 बक्सू दुष्यंत जी का और मेरा, हम लोगों ने इसको जन्म दिया और एक तरह से पालन पोषण किया है, ऐसा स्वप्न है तो वो आज पूरा हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी है, उतनी खुशी जितना एक स्वप्न पूरा होने पे होती है। और सब लोगों का बहुत प्यार और स्नेह भी मिल रहा है इस फिल्म को और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी फिल्म, बहुत हिट होगी और आप सबका स्नेह तो है हमारे साथ। म्यूजिक लॉन्च एज अ सिंगर दुष्यंत जी की म्यूजिक एल्बम है मेरा इश्क तू, उस गाने की लॉन्चिंग है आज और आप सभी ने देखा होगा बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। नहीं मेरे लिए तो 100 बक्स का एक ही मतलब रहेगा हमेशा, बट ट्रेलर के हिसाब से कुछ सस्पेंस दिख रहा है 100 रुपीज़ से रिलेटेड, जिस तरीके से पोस्टर में भी मैंने देखा एंड जैसे दुष्यंत भाई ने बताया इस हरियाणा का कनेक्शन है हमारा थोड़ा सा प्यार भरा, तो जैसे इन्होंने बताया कि 2004 से इन्होंने सोचा था इस बारे में एंड कोई प्रोजेक्ट अगर आपके दिमाग में होता तो इस लाइक अ बेबी, तो इन्होंने उस बेबी को बहुत अच्छे से पाला भी है पोसा भी और फिर उस पर वर्क किया, तो आई होप सो एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जिस तरीके से इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया और बहुत मेहनत लगन से, पहला प्रोजेक्ट हमेशा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है और आदमी उस पर 100% देता है लाइक 100 बक्स 100%, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम। और मूवी 100 बक्स जहाँ 100 मिलियन कमाए तो माशाल्लाह जी। दुष्यंत जी के ऊपर इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे माहिर हैं वो अपने काम में और इतनी एनर्जी वो डालते हैं और डिवोशन से जो काम करते हैं, मेरे ख्याल से उनके साथ में काम जो भी करना चाहेगा ही विल बी हैप्पी एंड ही इज माय यंगर ब्रदर सो आई हैव टू सपोर्ट हिम सो दैट्स द रीजन। आज देखा था, देखा क्या क्या कहेंगे चलो ये तो पब्लिक बताएगी मुझे तो अच्छा आपने देखा आपका क्या ओपिनियन सर? अपनी चीज़ तो हमेशा सबको अच्छी पसंद आती है, हम तो तारीफ ही करेंगे। ये तो आप लोग बताइए मैम आप कहेंगे और रेस्ट दर्शक बताएंगे कि मूवी कैसी है। टाइटल 100 बक्स व्हेन यू हर्ड क्या लगा दिमाग क्या लगा 100 बक्स डू यू थिंक इट जस्टिफाइड टाइटल? Justified? Yes, of course justified. Because it's a character of a prostitute. So yes, it's justified. दुष्यंत जी गाना भी गा रहे हैं वहाँ देखा गाने क्या कहीं गानों के बारे में अपने गाने अच्छे लगे? गाने आप बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, आई रियली लाइक द सॉन्ग्स। रेस्ट आप लोग बताएंगे, मूवी देखिए और फिर बताइए कैसे लगे आपको। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।